कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सबका स्वागत है। भारत में एक तरफ मंदी की जोर शोर से चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ झारखंड में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तरह तरह के उपाय लगातार सरकार कर रही है। इन्हीं उपायों के तहत दुमका में दो दिन के लिए बांस कारीगर मेला का आयोजन किया गया। इसमें तय हुआ कि बांस से कलाकृति या दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाले कारीगरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए उन्हें चीन और वियतनाम भेजा जाएगा ताकि वर्ल्ड क्लास बैम्बू प्रोडक्ट झारखंड में भी तैयार हों और उसका उत्पादन करने वाले और उसकी कलाकृति बनाने वाले लोगों को इसका फायदा हो, साथ ही झारखंड एवं देश की अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिले। 18 सितंबर को इंटरनेशनल बैम्बू डे पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बांस से कलाकृतियां और दैनिक उपयोग के सामान बनाने वाले झारखंड के 6,00,000 लोगों के जीवन में नई आशा का संचार होगा। राज्यपाल ने 5 कारीगरों को आर्टिसन कार्ड, कारीगरों को किट और 5 समूह को वित्तीय सहायता दी। राज्यपाल ने अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर कारीगरों की कलाकृतियां देखी और उसकी सराहना की। राज्यपाल ने उद्योगपतियों और विदेशी डेलीगेट से यहाँ बांस के कारीगरों को बढ़ावा देने और बांस से जुड़े उद्योग में निवेश करने की अपील की। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करने की दिशा में झारखंड राज्य बांस का अभियान प्रारंभ किया गया है। इससे अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तथा हाइब्रिड किस्म के बांस की खेती कर किस्मों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भी राज्य के विभिन्न प्रखंडों में रेती भूमि पर उन्नत किस्म के बांस के पौधारोपण की योजना कराया जा रहा है। झारखंड में जब बांस से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तैयार होंगे तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बांस के कारीगरों को रोजगार मिलेगा और बांस के उत्पादकों को बांस का उचित मूल्य। देश विदेश के निवेशक बांस उद्योग में निवेश करेंगे, वे किसानों को बांस की खेती के लिए प्रेरित करेंगे। कौशल विकास केंद्र के जरिए बांस से अलग अलग उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे बेस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कर सकें। झारखंड के मुख्य सचिव DK तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। झारखंड में कुटीर एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हमारी सरकार कई प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में संभावना को देखते हुए हमने लोकल और ग्लोबल वैश्विक स्तर पर भी झारखंड को महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देने के लिए, स्थापित करने के लिए ये आयोजन आज हम लोगों ने किया है और इस प्रकार हम इसमें बांस की वैज्ञानिक खेती से लेके बांस के उत्पादों के मूल्यवर्धन हेतु नई तकनीक व उन्नत मशीनों के उपयोग और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में बांस के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में हम कार्य करेंगे। इसमें हम लोगों ने हाइब्रिड किस्म के बांस की खेतियों को कृषकों को उपलब्ध कराने की हमारी योजना है और ये मनरेगा में भी करेंगे और झारखंड राज्य बांस अभियान जो बैम्बू मिशन है उसमें भी करेंगे, जिसमें हम लोग एक एक्शन प्लान हम लोगों ने बनाया है। दुमका जिले में तेलबुला, तेलियाचक, साहेबगंज के बरहेट, पूर्वी सिंहभूम के मानसमुड़िया में बांस इंक्यूबेटर प्रारंभ किए हैं और शिल्पकारों के लिए CFC सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में ये काम करेंगे। इसमें हमने बहुत आधुनिक मशीन और उपकरण लगाए हैं। फिर से दुमका में हमने गवर्नमेंट मिनी टूलूम में बैम्बू सेंटर फॉर डिज़ाइन एक प्रारंभ किया है। इसमें अगले 2 सालों में 5,000 बांस शिल्पकारों को बांस क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और शिल्पियों का उत्पादक कंपनी बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की हमारी योजना है। हमने हाई क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए उन किसानों को ट्रेनिंग देना और नए किस्म की बांस की प्रजातियां उपलब्ध कराने का प्रारंभ काम शुरू किया है
और 5 शिल्पकारों को टूल किट्स भी हम लोगों ने प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इंटरनेशनल बैम्बू डे के 2 दिवसीय आयोजन के समापन समारोह में कहा कि बांस के कारीगरों को दिए जा रहे टूल किट्स की तरह कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चक्की मिलेगी। दीपावली में झारखंड में चीन का दिया नहीं, अपने राज्य में मिट्टी के उत्पाद ही बिकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी 5 वर्षों में देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने में झारखंड निर्णायक भूमिका निभाएगा। दुमका से आनंद जायसवाल की रिपोर्ट।